दोस्तों 2020 आ चुका है और अभी भी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड सही रहेगा, क्योंकि अगर हम Xiaomi और Realme की बात करें तो ये दोनों ही स्मार्टफोन ब्रांड बहुत ही ज्यादा इंडिया में मार्केट शेयर लेके रखा है और बहुत सारे फोन इन दोनों ही कंपनीज के सेल होते हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड आपके लिए सही होगा, Realme या फिर Xiaomi, तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन ब्रांड का स्टार्टिंग कब से हुआ था। तो यहाँ पर Xiaomi की बात करें तो ये इंडिया में 2014 में आया था और Realme आपको 2018 में देखने को मिला था इंडिया में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि Realme जो है कोई इंडिविजुअल ब्रांड नहीं है, ये Oppo का सब ब्रांड है और Oppo भी कोई इंडिविजुअल ब्रांड नहीं है, इसका भी एक पेरेंट कंपनी है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि Oppo, Vivo, Realme और OnePlus, ये जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड्स है इसका एक पेरेंट कंपनी है, इसका एक मालिक है, वो है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, इन सभी कंपनीज को अगर आप मिला के एक ग्रुप बनाएंगे तो ये BBK इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, BBK नहीं मतलब BBK इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। और यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि Realme अभी तो Oppo से सेपरेट हो चुका है, लेकिन ये कुछ दिनों से एक सब ब्रांड के तौर पर हमें देखने को मिल रहा था। और यहाँ Xiaomi की बात करें तो Xiaomi का कोई पेरेंट कंपनी नहीं है, ये खुद ही एक पेरेंट कंपनी है और इसका एक सब ब्रांड तो है, आप बोल सकते हैं Redmi को आप सब ब्रांड बोल सकते हैं Xiaomi का। तो पिछले कुछ दिनों की बात करें तो इन दोनों स्मार्टफोन ब्रांड्स में इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है कि अगर Xiaomi कोई नया स्मार्टफोन निकल रहा है तो उसका पीछे ही Realme दूसरा स्मार्टफोन निकाल दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि यूजर्स या कस्टमर्स को ये कंफ्यूजन हो जा रहा है कि भाई कौन सा फोन लिया जाए, क्योंकि कुछ दिनों पहले की बात करें तो Xiaomi जैसे Redmi Note 7 Pro निकाला था और उसके पीछे आपको Realme की तरफ से Realme 5 Pro देखने को मिल रहा था। तो ये दोनों स्मार्टफोन आपको लगभग सेम प्राइस रेंज में और सेम स्पेक्स में मिलता है। तो इससे क्या हो रहा है कि कस्टमर को ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा फोन लिया जाए और क्या उसके लिए बेस्ट होगा। और यहाँ पर अगर हम बजट सेगमेंट के जो स्मार्टफोन्स हैं उनके बारे में बात करें तो Xiaomi की तरफ से आपको Redmi Note 8 देखने को मिल रहा था और यहाँ Realme की तरफ से आपको Realme 5S देखने को मिल रहा था। तो इन दोनों ही फोन्स में आपको बहुत ही अच्छा कैमरा मिल जाता है, क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और सेम प्राइस में। तो इसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई कौन सा फोन लिया जाए। और उसके बाद आपको जो मिड रेंज सेक्शन का जो फोन है, जो 15,000 या 20,000 के आसपास जो फोन आते हैं, जैसे Xiaomi की तरफ से आपको Redmi Note 8 Pro मिल रहा था क्वाड कैमरा सेटअप और बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर के साथ, उसमें भी आपको Realme की तरफ से Realme XT देखने को मिल रहा था जिसमें भी आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा था। और इस प्राइस रेंज में भी Realme कंपीट कर रहा है Xiaomi को। आप समझ सकते हैं कि जो बजट सेगमेंट है स्मार्टफोन का कितना ज्यादा कंपटीशन आ चुका है और उसके ऊपर Samsung भी ट्राई कर रहा है कि इस प्राइस रेंज के अंदर वो भी अपना फोन लाए। तो उन्होंने लाया भी Samsung Galaxy M30s, बहुत ही बढ़िया फोन है और बहुत ही अच्छा डिस्प्ले के साथ आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है 15,000 से 20,000 या 20,000 से 30,000 के अंदर। और यहाँ पर अगर हम फ्लैगशिप किलर फोन्स की बात करें तो आपको पता होगा Xiaomi ने बहुत ही अच्छा फोन निकाला था 2018 में, Poco F1, जिसको Realme तो कंपीट नहीं कर पाया था, लेकिन इस साल के एंड में Realme जरूर अपना एक फ्लैगशिप फोन लेके आया था, मतलब फ्लैगशिप किलर फोन लेके आया था। तो यहाँ पर अगर हम Xiaomi की बात करें तो यहाँ पर Redmi K20 और K20 Pro आपको जैसे 2019 का जो फ्लैगशिप किलर फोन था वो देखने को मिल रहा था और उसी को कम्पीट करने के लिए Realme की तरफ से आपको Realme X2 देखने को मिल रहा था जो डायरेक्टली कम्पीट कर रहा था Redmi K20 को। जी हाँ, Redmi K20 में जैसे आपको Snapdragon 730 का प्रोसेसर मिल रहा था और उससे थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर आपको Realme X2 में मिल रहा है, Snapdragon 730G प्रोसेसर आपको इस फोन में मिल जाता है और साथ में यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा स्पेक्स भी मिल जाता है। लेकिन जो मेन डिफरेंस था वो नॉच का था, मतलब इन दोनों फोन्स में Redmi K20 में आपको कोई भी नॉच नहीं मिलता था, पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल रहा था और इसमें आपको नॉच मिल रहा था। और इन दोनों फोन्स के बीच में प्राइस भी बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि Redmi K20 अभी आपको 20,000 के आसपास मिल रहा है और Realme X2 आपको 17,000 या 18,000 के आसपास मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बेस वेरिएंट है उसमें भी बहुत ही ज्यादा अंतर है। ठीक है, पावरफुल प्रोसेसर तो मिलता है और साथ में आपको बहुत ही अच्छा प्राइस भी मिल रहा है Realme की तरफ से। और यहाँ पर Redmi K20 Pro की बात करें, जो फ्लैगशिप किलर फोन है Xiaomi की तरफ से, उसको कंपीट करने के लिए Realme ने लॉन्च किया था Realme X2 Pro, जिसमें आपको Redmi K20 Pro से भी बेटर परफॉर्मेंस, बेटर डिस्प्ले और बेटर क्वालिटी मिल रहा था। लेकिन हाँ, प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल रहा है, जैसे आपको वो फोन 30,000 के आसपास मिल रहा था और Redmi K20 Pro अभी आपको 25,000 या 26,000 के आसपास मिल रहा है।
तो अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो आपको पता होगा स्नैपड्रैगन 855 प्लस आपको रियलमी एक्स टू प्रो में मिलता है और रेडमी के 20 प्रो में आपको स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर मिलता है। और डिस्प्ले में बहुत ही ह्यूज डिफरेंस आपको मिलता है रियलमी एक्स टू प्रो में, क्योंकि वहां पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और साथ में बहुत ही अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लैगशिप किलर में भी बहुत ही ज्यादा कंपटीशन आ चुका है। सो जितने भी बड़े बड़े बाकी कंपनीज है, पता नहीं वो क्या करेंगे, मतलब उनका जो फ्लैगशिप फोन्स है वो क्या हमें एकदम बजट सेगमेंट में देखने को मिलेगा, और या फिर यही ऐसे दो कंपनीज होंगे जो आपको आगे चल के एकदम फ्लैगशिप किलर वाले परफॉर्मेंस या फ्लैगशिप किलर वाले स्पेक्स कम प्राइस में दे पाएंगे। और बस इतना ही नहीं, Xiaomi ने तो Redmi के 30 को भी लॉन्च कर दिया है चाइना में, और उसी को कॉम्पीट करने के लिए Realme भी बहुत ही जल्दी अपना एक फोन लेके आने वाला है जिसका नाम शायद Realme X50 होने वाला है, जो Redmi के 30 को डायरेक्टली कम्पीट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले जो फ्लैगशिप फोन्स होंगे उनमें भी आपको कंपटीशन देखने वाले हैं। तो इससे हमें बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि आपको कम प्राइस में फ्लैगशिप जो स्पेक्स आप चाहते हैं, जैसे आपको 50,000, 60,000, 70,000 के जो फोन्स में जो प्रोसेसर मिलता है, जो स्पेक्स मिलते हैं, वही सब स्पेक्स आपको इतने कम प्राइस में, मतलब 30,000, 40,000 या 20-25,000 के अंदर आपको मिल जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे हमें ही फायदा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनीज को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आपको कम प्राइस में बहुत ही अच्छा फोन्स मिल जा रहा है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कम प्राइस में आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अब बात आता है कि कौन सा ब्रांड आपके लिए सही होगा, Xiaomi या फिर Realme। तो यहाँ पर अगर आप मेरा ओपिनियन चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ Realme और Xiaomi ही नहीं, यहाँ पर आपको सभी ब्रांड बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन सभी का जो स्मार्टफोन कैटेगरी है वो अलग होता है, मतलब जो प्राइस रेंज है वो अलग से सेट किया रहता है। जैसे आपको पता होगा ओप्पो के जो फोन है वो आपको थोड़ा सा प्राइस रेंज हाई मिलेगा, उनमें प्राइस रेंज थोड़ा सा ज्यादा होता है, और वीवो के फोन तो और भी ज्यादा प्राइस रेंज में आते हैं, मतलब वो अलग कस्टमर को टारगेट करते हैं। और यहाँ पर Xiaomi और Realme क्या करते हैं, वो बजट सेगमेंट में जो जितना भी आपको स्मार्टफोन मिलते हैं, जैसे 15,000 या 20,000 के आसपास, उन सभी कस्टमर को ये टारगेट करते हैं और कम प्राइस में वैल्यू फॉर मनी वाले फोन लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज ये है कि ये दोनों ही कंपनीज बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन निकालते हैं प्राइस रेंज के हिसाब से। तो यहाँ पर आप एक कंपनी को ऐसे टारगेट करके नहीं बता पाएंगे कि भाई ये अच्छा फोन बेचता है या फिर ये अच्छा फोन बेचता है, क्योंकि ये दोनों ही स्मार्टफोन ब्रांड बहुत ही अच्छे हैं और अपने अपने प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको सेल कर रहे हैं। क्योंकि अगर Xiaomi Redmi के 30 लॉन्च कर रहा है और उसके अंदर जो स्पेक्स है उससे भी बेटर स्पेक्स आपको अगर Realme की तरफ से मिल रहा है और वो भी कम प्राइस या फिर उसी प्राइस रेंज में, तो ऑब्वियसली आपको उसी फोन के साथ जाना चाहिए। और या फिर अगर आपको Xiaomi में बेटर स्पेक्स मिल जाता है Realme की तुलना में, तो आपको ऑब्वियसली उस फोन के साथ जाना चाहिए। आपको बस चेक करना है कि कौन सा ब्रांड में आपको अच्छा क्वालिटी, अच्छा प्राइस और अच्छा स्पेक्स मिल जाता है। इन सभी चीजों का ध्यान रखना है आपको, और ऐसा नहीं है कि आपको स्पेक्स अच्छा मिल रहा है तो आपको बिल्ड क्वालिटी में ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही बड़ा मेन फैक्टर है एक स्मार्टफोन का, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपके साथ ये फोन कितना दिन तक टिकने वाला है। तो या दिस इज द मेन पॉइंट, क्योंकि अगर आपको बिल्ड क्वालिटी, प्राइस और स्पेक्स ये तीनों ही चीज एक स्मार्टफोन में अच्छा मिले, तो वो कोई भी कंपनी का क्यों ना हो, आपके लिए वो बेस्ट होगा। तो ये मेरा ओपिनियन था। और आपको पर्सनली कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा लगता है, आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।